दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल रसायन इंटीरियर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि PVC पैनल वॉल पर किस तरीके से इंस्टॉल किए जाते हैं। दोस्तों पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, किन किन चीज़ों का आपका ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से पैनल जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा आप यही जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबा लीजिए आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको वॉल को स्टार्ट करना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो आपको वर्क करना है दोस्तों वो ये करना है कि लेफ्ट हैंड से शुरुआत करनी है आपको। आप अपने बाएं हाथ से शुरुआत करेंगे दीवार की। अगर आपकी जो भी दीवार है, जैसे मान ली 10x10 की है, 10x15 की है, जो भी आपकी वॉल है, तो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करेंगे। और उसमें आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक सीधी यू लगा देनी है। उसको आप कील वगैरह से जो है वो रोक करके बिल्कुल लगा सकते हैं। और नीचे की तरफ आप इस कटिंग जो है, अगर आपका नीचे फर्श है तो वहाँ से आप नीचे की तरफ भी एक यू लगाएंगे, जैसे कि मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें जो हमारी लेफ़्ट वाली जो यू है वो किस तरीके से लगाई जा रही है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इसकी जो साइड में है वो डिज़ाइनिंग वॉल तैयार हो रही है, तो जिसके आगे से हमने इसको जो है वो स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं जो डिज़ाइनिंग वॉल के साइड वाले पैनल है वो लग चुके हैं, और उनके आगे से हमने वॉल जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाली यू है वो अभी लग चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए सबसे पहले जो यू आप लगाएंगे उसको अच्छी तरीके से आपको पेस्ट करना है। अगर आपने दूसरी वॉल पर पैनल लगाए हुए हैं तो आप उसको पीछे से भी जो है यू लगाने के बाद में उसको बॉन्ड से, या जिसको फेविक्विक बोलते हैं, तो उससे आप ज़रूर से उसको चिपकाएं और कील का भी इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद में आपको नीचे वाली यू लगा देनी है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ यू किस तरीके से लगाई जा रही है। दोनों तरफ आपको यू लगा देनी है। ऊपर की तरफ आपकी मर्ज़ी है कि आप लगाएं या ना लगाएं, वो आप बाद में पेस्ट भी कर सकते हैं, और उसको अगर साथ साथ लगा कर भी चलते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये हमारी नीचे वाली यू भी लगकर तैयार जो है वो हो चुकी है। अब आगे का हमारे प्रोसेस जो है करना है वो नेक्स्ट, हमें जो भी हमारा पैनल लगना है, तो अगर पैनल आपका बड़े ग्रुप वाला पैनल है, ठीक है, देखिए दो साइज़ के हमारे ग्रुप आते हैं आगे। एक बड़ा ग्रुप होता है 1 इंच में, और एक छोटा ग्रुप होता है वो आधा इंच से भी कम होता है, ठीक है। तो बड़ा ग्रुप अगर आपका है तो उसको आप काट जरूर लेना है, आपको आगे से कट कर लेना है, ताकि आपकी यू में वो ग्रुप जो है, मतलब जब आप पैनल लगाए तो यू में प्रॉपर तरीके से आपका पैनल जो है वो फंस जाए और ग्रुप आपका बिल्कुल भी नहीं दिखेगा अगर आप ग्रुप को जो है वो कट कर देंगे। लेकिन अगर आप ग्रुप को कट नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका ग्रुप जो है वो दिखता है और जो आपकी फेविक्विक है वो अच्छी तरीके से उस पर नहीं चिपक पाती है। अब जैसा आप देख रहे हैं पूरे तरीके से हमारा पैनल जो है वो फंस चुका है, और पहला पैनल कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। और पैनल लगाने के बाद में अब आपको कील का जो है वो इस्तेमाल करना है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक यूज़ किए जाते हैं दोस्तों जो स्क्रू हमारे होते हैं, 1.5 इंच के जो स्क्रू होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं पैनल लगाने के लिए। लेकिन मैं आपको उसका एक रीज़न बताता हूँ कि किस क्यों आपको स्क्रू जो है वो नहीं लगाने चाहिए। देखिए आपका जो ग्रुप होता है वो बहुत छोटा ग्रुप होता है, मान लीजिए आधे इंच से भी आपका ग्रुप बहुत ज़्यादा कम होता है। और जब आप एक स्क्रू जो आप उसमें लगाएंगे, वॉल में लगाएंगे, तो जब आप गिट्टी लगाते हैं तो वो उसकी चौड़ाई उतनी हो जाती है कि जो आपका ग्रुप है वो टूटने के ज़्यादा चांसेस जो है वो रहते हैं। तो ज़्यादा बेस्ट है कि आपका कील के ही इस्तेमाल करें। लेकिन कील कौन सी वाली इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो कील आपने दोस्तों देखी होंगी, जो वायर को रोकने के लिए गिट्टी जो इस्तेमाल की जाती है, बैटन गिट्टी जिसको बोलते हैं, तो उन बैटन गिट्टी के अंदर से वो कील निकाल करके और उन कील का इस्तेमाल आपको करना है। थोड़ी महंगी पड़ेगी लेकिन वो ज़्यादा सेफ़ रहती है। उसके अलावा कोई भी कील आप इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों वो मुड़ जाती है, या मतलब जो है वो ग्रुप वगैरह तोड़ देती है। तो ये कील आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। हम सारे अपने जितना भी वर्क करते हैं तो इन्हीं कील का इस्तेमाल करते हैं। ये 20 रुपये का आपको, 20 रुपये का, 25 रुपये का, 30 रुपये का एक पैकेट मिल जाता है आपको, 20, 25, 30 या 50 गिट्टी का। तो आप वो जो है इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको कील जो है वो लगा देनी है। एक चीज़ का और ख़ास ख्याल रखना है, जब आप कील लगाते हैं पैनल में
तो अगर मान लीजिए आपका 10 फुट का पैनल है, तो 10 फुट पैनल में आपको जो कील लगानी है वो लगभग 5 से 6 कील ज़रूर लगानी है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, जितनी ज़्यादा कील आप पैनल के ग्रुप में लगाएंगे, मतलब 5, 6 या 7 भी आप लगा सकते हैं, तो पैनल कभी हिलेगा नहीं आपका, कभी मतलब जो है पैनल को में दिक्कत आएगी नहीं, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये काफ़ी टाइम के लिए आपका जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पैनल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अब देखिए, पहला पैनल लगाने के बाद में दूसरा पैनल कैसे लगाना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको, अगर आप सिंगल बंदा है कोई तो वो पैनल लगा रहा है, दो बंदे साथ में नहीं है, तो आप नीचे वाला जो पोर्शन है उसका, जो नीचे वाला पार्ट है उसको आप अटैच करें सबसे पहले पैनल से, और उसके बाद आप जो आपकी मतलब पौड़ी वगैरह होती है उस पर चढ़ करके उसका ऊपर वाला हिस्सा भी अटैच करेंगे। दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम आती है जब हमारा बड़ा पैनल होता है, और कभी कभी प्रॉब्लम हमें सिंगल अगर बंदा काम कर रहा है तो उसको काम करने में प्रॉब्लम कब आती है, जब या तो जो पैनल है हमारा तो उसके ग्रुप में अगर पेपर फंसा हुआ है, अगर पैनल में आपके पेपर आ जाता है, जो वॉलपेपर हमारा इसके ऊपर चिपका होता है, पीवीसी पैनल के ऊपर जो वॉलपेपर हमारा ये लगा होता है, तो शीट पर जो वॉलपेपर लगा होता है, तो इसका अगर पेपर अंदर की तरफ आ रहा है तो सबसे पहले आपको काम करना है कि उस पेपर को पेपर कटर से आपको निकाल लेना है, तो आपका जो पैनल है वो बहुत आसानी से अंदर की ओर जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है लगाने के लिए, मैंने इसका पेपर क्यों नहीं निकाला, मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि ये चीज़ जो है वो अधिकतर हमारे साथ में जो है वो फेस होती है। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि जो आपका पहला पैनल है उसके अंदर से ग्रुप में से पेपर जो है वो निकाल लेना है। ग्रुप से पेपर निकालने के बाद में उसके बाद दूसरे पैनल को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ, किस तरीके से आपको पैनल जो है वो इंस्टॉल करना है। इसके बाद पैनल लगाने के बाद इसमें आपको गिट्टी वगैरह जो है वो लगा देनी है, जो भी मैंने आपको बैटन गिट्टी वगैरह बताया, बैटन गिट्टी की कील जो बताई है, तो वैसी आपको लगा देनी है। और कीले लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको सारे पैनल जो है इंस्टॉल करते जाना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आपकी दीवार जो है, देखिए नीचे से तो जो, क्योंकि स्कर्टिंग लगी हुई है तो नीचे से सरफेस जो है हमारी बिल्कुल प्लेन रहती है, यानी वहाँ पर जो ऊंचा नीचा नहीं होता है, लेकिन ऊपर से अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो साइज आपको आगे 10 इंच छोड़ करके लेना है, 1 इंच 2 इंच से आपको साइज जो है वो नहीं लेना है, 10 इंच पैनल की, जहाँ तक पैनल 10 इंच तक आता है तो वहाँ तक आपको साइज लेकर के और पैनल अगला पैनल जो है वो लगाना है। जैसा कि मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से आपको पैनल इंस्टॉल करना है। आगे दोस्तों पूरी वॉल का डिज़ाइन आपको दिखाऊंगा कि सारे पैनल इंस्टॉल होने के बाद में कैसे लगते हैं। ये हमारे जो पैनल लगा है, ये हमारा लाइट वुडन पैनल जो है वो लगा है, और इस पूरे पैनल को हमने इस पूरे रूम में जो है वो इंस्टॉल करना है। इसका एक पूरा वीडियो बहुत जल्द आपके लिए आने वाला है। देखिए दोस्तों, ऊपर ये एक थंब था, इसको किस तरीके से कवर किया गया है, अभी इसमें एल जो है वो लगनी बाकी है और कुछ पैनल जो है छोटे छोटे टुकड़े लगने बाकी हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप हमसे वर्क कराना चाहते हैं तो 70 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आप अपनी वॉल पर पीवीसी पैनल इंस्टॉल करा सकते हैं, 70 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, और फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया है, अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उनको भी फॉलो ज़रूर से कर लीजिए।